रसूल के करीब है, वो जतन खुश नसीब है, रसूल के करीब है, पुकार तो गली गली अली 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 बला तली। सुभान अल्लाह। और बस आखिरी बंद समाप्त कर लीजिए, जिंदगी के साथ सखावतों के आसमां अता के बहरे बेकारा, वो चारा साज बेकसा करार जाने आशिका। सखावतों के आसमां अता के बहरे बेकारा, वो चारा साज बेकसा करार जाने आशिका। अली अली कहे बाबा तो कल्ब को मिले आमा, अली अली कहे सामा तो कल्ब को मिले आमा, हो दूर सारी बेत अली 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 अली। सुभान अल्लाह। आयत का तर्जमा आज सुन लीजिए और फिर कभी आएंगे तो तकरीर सुन लीजिए। दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें, ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह गाजी मिल्लत की दुआओं का सदका है। एक घंटा नहीं तो तीन घंटा बोलना पड़े तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं उस बारगाह का गुलाम हूँ, सैयदों का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला सादात की गुलामी में हमें सलामत रखे। करूँ तारीफ मैं अकबर भला क्या इस घराने की, करूं तारीफ मैं अकबर भला क्या इस घराने की, कि जिसके नाम दुनियाए खिताबत की है सुल्तानी, कि जिसके नाम दुनियाए खिताबत की है सुल्तानी, और घटा सकता नहीं सैयद की अजमत कोई आलम में, कि इनकी शान में नाजिल हुई आयाते कुरानी, आयात कुरानी। इसलिए वक्त साथ नहीं दे रहा, 11 बजे तक पूरा प्रोग्राम खत्म होना था, 11:30 हो गए। आपकी मोहब्बत है जो आप कह रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत। मैं जानता हूं कि आप घंटा दो घंटा बैठ सकते हो, लेकिन नहीं, हमारे बहुत से मेहमान हैं, जाना भी है, बस यही काफी है। बस प्यारे गुलामी पर नाज करो, जो गुलाम है वही वक्त का इमाम है। पूछेंगे सभी हशर में सरकार कहाँ है, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पूछेंगे सभी हशर में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे उन्हें दार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। पूछेंगे सभी हशर में सरकार कहाँ है। सुभान अल्लाह। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। आखिरी शेर यादगार के तौर पे दे के चला जाऊं। परवाना बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, परवाना बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद पर के वफादार कहाँ है, पैगंबर के वफादार कहाँ है। परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, अरे जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, आला
कहाँ है। प्यारे बस अब यहीं पर रहने दो, इसलिए कि ऐसी खिताबत हो चुकी है कि अब सूरज के सामने चिराग दिखाना है आप लोग। हाँ इंशाल्लाह इसी साल नहीं बल्कि जो मोमिन जब तक जिंदा रहेगा इस तकरीर का असर उसके दिल में रहेगा इंशाल्लाह। इसलिए प्यारे रसूल पाक की ये अमानत है, रसूल पाक की ये औलाद है, इनका चेहरा देखना ये भी इबादत है सुभान अल्लाह। अरे रसूल इसलिए प्यारे बस एक बात सुन लो चलते चलते, कुरान पाक ने फरमाया रसूल पाक जो अता करे वो ले लो सुभान अल्लाह, नबी जो दे वो, नबी जो अता करे वो, देता कौन है जिसके पास होता है बोलो भाई। अरे देता वही है ना जिसके पास। कुरान ने कहा नबी जो अता करें वो ले लो, अब नबी क्या देते हैं, नबी से हम क्या लेते हैं, तो शराफत मुस्तफा से ले लो, अदालत मुस्तफा से ले लो, सखावत मुस्तफा से ले लो, शुजात मुस्तफा से ले लो, जिंदगी मुस्तफा से ले लो, बंदगी मुस्तफा से ले लो, इस्लाम मुस्तफा से ले लो, ईकान मुस्तफा से ले लो, इरफान मुस्तफा से ले लो, कुरान मुस्तफा से ले लो, ईमान मुस्तफा से ले लो, रिफात मुस्तफा से ले लो, बुलंदी मुस्तफा से ले लो, शरीयत मुस्तफा से ले लो, तरीकत मुस्तफा से ले लो, मार्फत मुस्तफा से ले लो, इसलिए कि मुख्तार कायनात है। अरे झूम के बोल सुभान अल्लाह। मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो और मेरे